डी फोर यू देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में, जहां पर मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सोनी की ओर से अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर, नगर निगम कमिश्नर, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, सिविल सर्जन, ये तमाम लोग शामिल थे। लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, आखिरकार कोरोना के बढ़ते केसों पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस पर मंथन किया गया है। ये भी चर्चा की गई कि सरकार की ओर से वैसे तो 1000 रुपया फाइन किया गया है जो मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन लोगों की गरीबी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि किसी को चालान तो नहीं काटा जाएगा, किसी को 1000 रुपया जुर्माना तो नहीं लगेगा, लेकिन लोगों को जागरूक किया जाएगा और जहां पर नाके लगते हैं खासकर पुलिस के, वहां पर लोगों को बिठाया जाएगा, एक टीम बिठाई जाएगी जो सैंपलिंग करे, जो आते जाते हैं वहां पर जो मास्क नहीं लगाते हैं उनके सैंपलों, और सैंपलों की टेस्टिंग पहले से बढ़ा दी गई है। स्कूलों के जो लगातार अध्यापक पॉजिटिव आ रहे हैं, स्कूलों के बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं, इस पर भी मंथन किया गया है। ओम प्रकाश सोनी की ओर से सरकार को ये सुझाव भेजा गया है कि कहीं, क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या स्कूलों को बंद कर दिया जाए, इन तमाम चीज़ों पर बात हुई है। अब हम आप बात करेंगे मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सोनी के साथ, आइए आपको बताते हैं वे क्या कहते हैं। सिविल हॉस्पिटल सारे डॉक्टरों के असी व्यू लाए ने, सो सारा ही असी इस मीटिंग असी डिस्कशन की आ, सो डी साहब ने दसिया, क्योंकि डी साहब ने पहले भी मीटिंगा कीतिया ने, सो काफ़ी जड़े ने हूँ थोड़े जे केस जड़े ने वो साढ़े अमृतसर डिस्ट्रिक्ट सारे पंजाब जी वधे ने, सारे हिंदुस्तान जी वध रहे ने, पंजाब च भी केस जड़े ने वो वधे ने, सो उहदे करके असी अज सारी मीटिंग लई है। देखो जेडे केस वधे जा रहे ने, सो असी अज सारा इहो ही मीटिंग च सारा रिव्यू किया कि किन्ने केस जड़े ने साडे डेली आ रहे ने हुण, सो तकरीबन टेस्ट साडे बहुत हो रहे ने, असी साड़ी जी अमृतसर की लैब है वो 13,000 के करीब भी डेली टेस्ट हो रहा, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का 3,000 के करीब जोड़ा वो टेस्ट डेली हो रहा, सो वो डेली जड़े ने 100 तो उपर हूँ, कल जिस तरह साढ़े 135 के करीब जोड़े पॉजिटिव आए हैं अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, वो 50-50 ने, 50 रूरल ने, 50 अर्बन ने, सो उहदे करके अज जिहड़ा असी ये फैसला किया कि जिथे भी लोग मास्क नहीं पाते, सो उत्थे असी टेस्ट जिहड़े ने कह रहे ने सिमरसर जी नूं कहा, होर टीमां जिहड़ियां साडियां सैंपल लैंदियां ने उहनां नूं कहा उत्थे तुसीं जिथे भीड़ वाले इलाके उहनां दे जिहड़े ने ओह तुसीं सैंपल लो, उहनां दे टेस्ट करो सारे ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 42% ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਟ 42% ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਲਵਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਈਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਸਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਕਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਆ, ਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੋਜ਼, ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
इस तरह के लोग पाते नहीं, उन्होंने टेस्ट जोड़े ने वह जरूर कराए जाए। फैसला लिया कि वह भी असी जो वैन दोबारा जो शुरू कर। देखो अज मीटिंग से भी फैसला रहा असी फ्री जो मास्क जड़े ने अगे पुलिस साढ़े कमीज साहब जड़े ने कल भी वंड के आए ने, असी सिविल सर्जन हिदायतें कीतियां ने अपने मैडिकल कॉलेज क्या कि इन्हों भी हज़ार तकरीबन मास्क जोड़ा पुलिस स्टेशनों हर च दो दो तीन तीन हज़ार भेजा जाए। जोड़े लोग जोड़े ने मास्क पाते नहीं हर पुलिस स्टेशन वाइज उन्होंने जोड़े मास्क जोड़े ने वो वंडे जा दते जाने। देखो हजे यहोजा कोई विचार नहीं किया क्योंकि लोगों अवेयर करने की लड़ है। सो असी वेख रहे हैं जे लोड़ पेगी फिर डी साहब ने अगे मीटिंग कहा जे लोड़ पेगी तो फिर लाया भी जा सकता, पर अजे यहोजी कोई गल नहीं। लोगों को अवेयर किया जा रहा कि मास्क पाओ, जे खास करके शॉपकीपर ने उन्होंने वेख्या जा रहा उन्हों की चैकिंग जी कि जेडे दुकान पर कोई कस्टमर जाता पहलों जोड़ा दुकानदार है उन्हें मास्क पाया नहीं पाया जो नहीं तो असी यह भी कहता कमीज साहब बैठे ने यह भी कहता फैसला लिया कि वह भी जोड़ा टेस्ट जोड़ा वह कराया जाए कि वह पॉजिटिव आ कि नैगेटिव आ। जी कपैसिटी जरा सा मैं तुम अगे भी ऑलरेडी दसिया कि मैडिकल अमृतसर च 13,000 दे करीब टेस्ट जोड़े ने वह भी हो रहे हैं किसी दिन। सो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के अगे नालों असी टेस्ट वधाते ने 3,000 डेली टेस्ट जोड़ा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का हो रहा। हाँ हाँ ये जी सवाल है बड़ा वाजब आ। सो स्कूलों असी सर्वे कराया असी टीम भेज के 20% के करीब जोड़े ने वो टीचर से बच्चे जोड़े ने पॉजिटिव जोड़े ने वो पाए गए हैं। सो उत्थे भी थोड़ा जा वेख्या जा रहा कि की सरकार लेवल से की फैसला होंदा। सो असी मैं भी ध्यान जोड़ा एक गल मैं CM साहब ने भी करूँगा कि आंकड़े जोड़े ने वो स्कूलों के आ रहे हैं कि डिसीजन लेना ये सरकार लेवल से लिया जाएगा। स्कूल जोड़े ने वो खुले खुले रखने कि कोई यह जहा स्टैप लेना। सो ये अजे वेख्या जा रहा। देखो गाइडलाइन तो यदि यो ही है भी सानू तैयार रखने की लड़ है, सानू तैयार रखने की लड़ है। लोगों का अपना ही फर्ज बनता कि लोग मास्क पा के रख दूरी बना के रख। सो ये लोगों अवेयर करना तो सरकार का काम हैगा ही है, पर लोगों का भी फर्ज बनता कि लोग आप ही ध्यान देन। जो कोई मुश्किल परिवार से आँदी है फिर पता लगता कि बड़ी वड्डी मुश्किल है, बड़ी ये भयानक बीमारी आ करोना की। हुण डैथ जड़ियां ने वो साड़ियां पिछे एक दिन 6 डैथ हुई ने अमृतसर च, कल भी 2 हुई ने। सो जिन्हां परिवारां चों कोई मैंबर जिहड़ा जिहदी जान जांदी है उन्हां परिवारां नूं पुछ के वेखीए। सो इस करके तियात रखण दी लोड़ आ, कोई घबराउण वाली भी एडी लोड़ नहीं, पर तियात रखना जिहड़ा वो तो साडा फर्ज बनता ना लोकां दा। नहीं हजे कोई इहो जिही गल नहीं, अजे सरकार का कोई यह डिसीजन नहीं कि माल जी सिनेमे को बंद करिए गल नहीं। हूँ तो असी सारे फंक्शन भी पूरे हो रहे हैं, सारा कुछ खुला। सो हजे यहोजा कोई सरकार का डिसीजन नहीं। सो अगे भी इकोनमी का बड़ा नुकसान हो चुका है। सो लोग त्यात रखन ना त्यात रखन लोग जड़िया गाइडलाइन सरकार वो फॉलो कर। सो ये तो लोगों का फर्ज बनता ना, बाकी अजे माल या सिनेमे या होर कोई दारा बंद करन दा सरकार दा कोई इहदे च विचार नहीं। असी वेख रहे हैं अज भी असी L2 का असी मीटिंग च डिसीजन लै रहे सी कोई सैंगल जी लैन जी बनाई जाएगी
जल्दी ओ फैसला लिया जाएगा। गल नहीं कोई अब जी गल नहीं अजे सारे जो टेस्ट जड़े ने वो इत्थे ही हो रहे ने। सो दिल्ली टेस्ट जड़े ने साढ़े अज तक पंजाब तुसी वेखो भी किन्ने टेस्ट हो चुके ने। सो स्पीड असी घटाई नहीं वधाई आ क्योंकि जिन्ना ही जिन्ने ही टेस्ट हो जाए मैं समझना उन्ने जरूरी है। सो टेस्ट जड़े ने असी वधा रहे वधाउण वाले बने जा रहे हैं। साडा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट जी डेली जिहड़ा वो 10,000 भी हो रहा 12,000 भी हो रहा कल परसों 13,000 भी होया एको दिन। सो टेस्ट वालों हर साडे मैडिकल कॉलेज जड़े ने वो टेस्ट जड़े ने वो वधाए जा रहे हैं घट वाले बने नहीं असी जा रहे। वेखो गल हूँ अज जी ना अज की मीटिंग जी है ना वो मैडिकल से आ। सो ये तो कोई सवाल करना तो तुम कर लो। सो बाद करने सो ये बड़ा जड़ा जी अज मीटिंग की उन्होंने सवाल है इतने काफ़ी सारिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दुकाना ने जिड़िया जानते किराया नहीं दे रहे लोग काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को आ सकता है। तुम्हें भी पिछले एक बार मैटर टेकअप किया बट उदा कुछ होया नहीं। देखो मैं उत्तों पहले डी साहब से उदो फिर करोना आ गया थोड़ा जहा ध्यान इधर करोना वाले बन्ने आ गया। सो डी साहब जरा देख लो ये एस टी एम जो केस ने लोग किराए नहीं दे रहे केस किए ने एस टी एम की अदालत च ने शायद। सो मैं पहलों भी कहा सीगा ये थोड़ा जहा तुसी आप मीटिंग कर लो एक ये सारा डी साहब देख लेंगे कोई गल। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी की ओर से साफ कर दिया गया है कि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं इस पर ढील कतई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने आज पूरा रिव्यू किया है मेडिकल कॉलेज के बाद क्या सिविल अस्पताल में भी मरीजों को दाखिल करने की व्यवस्था की जाएगी इस पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने और भी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं खासकर लोगों को उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया है कि आप मास्क पहने हाथों को सैनिटाइज करें क्योंकि सरकार पहले भी आपका ध्यान रख रही थी पहले भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ है आर्थिक तौर पर कहीं ऐसा ना हो फिर से हमें कर्फ्यू लगाना पड़े। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।